लास्ट क्लास में हमने मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा था। तो मैंने स्टार्ट ही किया था डायरेक्ट मशीन एआई के अंदर, कि हमारे पास मशीन लर्निंग का काम क्या है, मशीन लर्निंग की टाइप्स क्या है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि मशीन लर्निंग के लिए टूल्स क्या क्या यूज करते हैं। मशीन लर्निंग के लिए हम जो टूल्स यूज करते हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं, जिसमें लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है। ग्राफ्स हम का पढ़ेंगे, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपके पास दो क्या क्या चीजें यूज की जाती है उसको पढ़ना है। तो रिग्रेशन एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, तो रिग्रेशन एनालिसिस एज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये स्टैट्स से रिलेटेड है सारा, और मजेदार है अगर समझ आ जाए। इसलिए कहते हैं कि एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंसेस के लिए यू नीड टू बी गुड एट स्टैटिस्टिक्स एज वेल। तो अगर रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो ये है क्या, एक तो आपको पता है कि स्टैट्स की टेक्निक है, जिसमें हमारे पास पहला आ जाता है लीनियर रिग्रेशन। सबसे सिंपल और आसान यही है। लीनियर रिग्रेशन क्या है? आपने देखा होगा कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट वगैरह आप बनाते हुए आए हो पहले भी। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट वगैरह जो आप पहले बनाते हुए आए हो, ये सारा का सारा सॉर्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन ही है। इसलिए वहां से रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो आपके पास लीनियर रिग्रेशन में होता क्या है कि आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसमें मोस्ट कॉमन आता है वो स्कैटर प्लॉट आता है। आप एक जगह टाइम रखते हो और एक जगह आपकी जो वैल्यू होती है उसको रखते हो, उसको मेजर करते हुए आप लेके सिंपली चलाते हो। बेसिकली आप इन दोनों के बीच में कोरिलेशन पैटर्न ढूंढ रहे हो एक्स और वाई के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं दिस मेथड इज डिजाइन फाइंड आउट इफ देयर एग्जिस्ट अ पैटर्न और कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो वो कैसे हम बोलते हैं, इफ मेन होता है वैल्यू ऑफ वाई इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ एक्स तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। देन एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेसिकली आप जो लाइन बनाते हो ना पॉइंट्स के बीच में, वो रिग्रेशन लाइन कहलाती है, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप आ रहा होता है आपका पॉसिबल रिलेशनशिप, वो कोरिलेशन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बना के दिखाऊं, आज से कुछ टाइम पहले तक एग्जेम्पशंस वगैरह आ रही थी, तो उनके इसके रख पर मैं बना रहा हूँ।
सेकंड। सो मेरे पास सपोज करो ये पॉइंट्स है, 20 में मार्किंग कर देता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, सही है। ये बच्चों के मार्क्स आ सकते थे। तो पेपर वन में जिस जिस के मार्क्स आए थे, तो पहले की हम बात करते हैं, सपोज करो जिस बच्चे के मार्क्स पहले, अच्छा यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। सपोज करो जिसके पेपर वन में, दादी पेपर वन मार्क्स ना, जिनके पेपर वन मार्क्स में, पेपर वन के मार्क्स में, पुराना डेटा की बात करो, आज से जो 3-4 साल पुराना डेटा, कि अगर उनके मार्क्स आए थे, जिनके 30 आए थे, तो उनके पेपर टू में 1, 2, 3, 4, 40 मिले आते, यहाँ पॉइंट आता है। सिमिलरली किसी के मार्क्स सपोज करो 60 अगर आए थे, तो उसके पेपर टू में 70 के आसपास थे, यहाँ मार्क आ गया। किसी बच्चे को कुछ, ये सारी मैं एवरेज निकालू पुराने डेटा में से, किसी बच्चों के मार्क्स अगर पेपर वन में अराउंड 70 के करीब थे, लेकिन उनके पेपर टू में, हो सकता है वो वीक था, तो उसके कुछ ये मार्क्स थे। इसी तरह अगर पेपर वन में 20 थे और पेपर टू में भी 20 थे, इसी तरह अब मैं रैंडम मार्किंग कर दूं, ये कुछ एक डेटा बन रहा है। बेटा इसमें से कोई ऑड पॉइंट नजर आ रहा है? ये वाला आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि देखो कि एक बहुत कम बच्चा होगा या कोई एक ऐसा होगा जिसके 70 के साथ पेपर उसमें 40 के कुछ करीब आ रहा है, पेपर वन में इतना अच्छा, पेपर टू में भी, होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, तो इनको हम कहते हैं आउटलायर्स। डेटा क्लीनिंग के वक्त, डेटा एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं, तो डेटा क्लीनिंग के वक्त ऐसे डेटा को हम उड़ा देते हैं, क्योंकि ये हमारे डेटा को अफेक्ट कर रहा है, इसको इग्नोर करते हैं। अब बेटा इसकी जब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाओगे आप, तो वो कुछ ये बनेगी, यस और नो? जिसमें अब आप देखो ये जो के बीच में डिफरेंस आ रहा है ना, ये कोरिलेशन ही आपका आ रहा है। अब ये लाइन जो मैंने बनाई है, ये रिग्रेशन लाइन कहलाती है। मतलब अब इस साल आने वाले जितने बच्चों के मार्क्स पेपर वन के, अब मैं पेपर वन के मार्क रखूंगा, सपोज करो मेरे पास बच्चे के मार्क आए 50, दिस वन पेपर वन, तो मैं पेपर वन के यूं लेके गया, यहाँ आ रही लाइन, मतलब उसके पेपर टू में कितने आने चाहिए, 60, एज पर माई रिग्रेशन जो लाइन बन रही थी। ये लीनियर रिग्रेशन होता है। यहाँ पे बेसिकली आपका को रिलेशन कोफिशियंट निकालते हैं, ये आपके पैटर्न में पता चलता है कि आपका को रिलेशन जो है कोफिशियंट वो कितना अच्छा है। -1 से +1 के बीच में आपका को रिलेशन आता है, परफेक्ट जो को रिलेशन होता है। और अगर कोरिलेशन आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब कि आपका एक्स और वाई के, एक्स और वाई के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज होगी वो -1 से +1 के बीच में ही होगी। कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अब ये रिग्रेशन लाइन बन गई।
इनका वर्टिकल जो डिस्टेंस है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। और फिर उसके अलावा निकालने के, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद उसकी एवरेज निकाली जाती है। अगर आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 से 0 के बीच में आ रहा है, या 0 से 1 के, मतलब बेसिकली -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब कि कोरिलेशन अच्छा एग्जिस्ट करता है। -1 और +1 का मतलब बहुत परफेक्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर 0 आ जाए बीच, मिडल पॉइंट, तो इसका मतलब देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये सब हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कौन करता है? मशीन करती है, हम नहीं करते। हम उसको बेसिकली ये बताते हैं करके। इसी तरह लीनियर रिग्रेशन की तरह एक और आपके पास आ जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करती है। यहाँ पे हर एक, सपोज करो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स जो है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है एक्स की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वहां पे देख रहे थे ये स्टेट्स आ रही थी, ग्राफ्स वगैरह सब कुछ, यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाती है, मतलब मैथ्स आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं दिस मेथड यूजेस अ डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे क्या है, दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज यूज टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। मिनिमम मैक्सिमम क्या होती है? चला जीरो और वन के बीच में प्रोबेबिलिटी आती है फॉर ईच एक्स वन। अच्छा, ये ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है? इसकी अगर हम बात करें तो ये कह सकते हो नॉर्मल यू फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। ये जो मशीन लर्निंग में आपने देखा होगा, नहीं है उसको जो पहचानता है कि कैसे, अगर इसकी एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ मैं। मेरे पास जो मैंने रिग्रेशन लाइन बनाई थी ना, सपोज करो ये बन, सही, और जो मेरे पॉइंट्स आ रहे थे वो कुछ ही आ रहे थे। तो इससे अब सपोज करो ये एक, मैंने कैट और डॉग के पॉइंट्स लगाए, सपोज करवा रहा, सही। तो अब ये यहाँ पे आपके पास सपोज करो प्रोबेबिलिटी स्कोर चल रहा होगा, और यहाँ पे कोई ना कोई वो थी। तो अगर लाइन से ऊपर आ रहा है तो वो कैट हो गया, लाइन से जो नीचे आ रहे हैं वो सारे डॉग्स हो गए, एक क्लासिफिकेशन करने के लिए।
या इंटरनेट यूजर्स की मैंने कल एग्जांपल दी थी कि इंटरनेट दो तरह के लोग ज्यादा यूज करते हैं, एक तो रिसर्च के लिए यूज करते हैं और कुछ इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। तो लाइन से ऊपर वाले जितने हैं वो सारे कौन से हो गए? रिसर्च के लिए यूज करने वाले। लाइन से नीचे वाले कितने हो गए? आपके कह सकते हो कि इंटरटेनमेंट के यूजर्स हो गए। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन नॉर्मली क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये आपके पास एक वैल्यू कैलकुलेटर वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है जो -1 से +1 के बीच में होता है। यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं होता, यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो। तो हर एक्स की वैल्यू के आपने सपोज करो ये वैल्यू प्लॉट्स की लाइन ऑफ रिग्रेशन बनाए, फिर अब आप उनकी प्रोबेबिलिटी वगैरह का स्कोर निकाल के 0 1 के बीच में वैल्यू रखते हो। तो इज इट क्लियर? तो ये आपका 0 हो गया, 0.25, 0.5, 0.75 और 1, ये प्रोबेबिलिटी बन गई मेरी। तो इज इट क्लियर? ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। अब आ जाओ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरफ।